हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के लिए जिस बाइक का रिव्यू लेकर आने जा रहा हूँ, उसका नाम है जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक 2023 मॉडल एंड 2022 मॉडल। इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसके ग्राफिक देख सकते हैं, यह है 2023 मॉडल, और बाद में आपको 2022 मॉडल के भी ग्राफिक्स आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंट है और उसमें क्या डिफरेंस है इसके मुताबिक। तो आप दोस्त इधर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसकी बैटरी का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा, आपको इसके टापे के अंदर, आपको इसके अंदर टैंक तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अंदर आपको पेट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। वो वैसे ही शो के लिए बनाया गया है ताकि बाइक कुछ बाइक की शक्ल की लगे। और आपको बैक टायर का साइज़ 3.00-17 4PR के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, और फ्रंट टायर का साइज़ हमें 2.25-17 4PR के अंदर देखने को मिल जाता है। तो आप इसकी सीट की क्वालिटी देख सकते हैं, और आप इसका टैंक देख सकते हैं, टैंक काफ़ी ज़्यादा होंडा CG70 जैसा ही हमें देखने को मिल जाता है। और लेफ़्ट साइड पर हमें इसके लेफ़्ट साइड पर हमें इसकी हॉर्न का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, और साथ में इसके और मीटर की लुक आप देख सकते हैं, मीटर के ऊपर जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक, और साथ में आपको मैनुअल मीटर, और साथ में आपको इसकी स्पीड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और सेंटर में आपको क्लीन शर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको मैं कम्प्लीट कंपेरिज़न बताऊँगा कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंट है। और लेफ़्ट साइड पर आपको यहाँ पर हाई लाइट लो लाइट आपको इसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी अगर आपने स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ पर आप रेड वाले बटन को क्लिक करेंगे, और टॉप स्पीड इसकी आपको 50 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि कंप्लीट चार्ज पर आपको इस बाइक एवरेज आपको इसकी 80 किलोमीटर हमें देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आप इसकी राइट साइड पर भी देख सकते हैं, राइट साइड पर काफ़ी ज़्यादा कमाल के ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा नरम इसकी पिक है, बहुत ही ज़्यादा नरम इसके क्लच है, और बहुत ही ज़्यादा कमाल की इसकी पिक है। मैंने इसको खुद भी चला कर देखा है, और बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। इसकी बैटरी भी जल्दी ख़राब नहीं होती, बैटरी की भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसकी प्राइस के बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी राइड से लुक देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है। और आप इसके टायर के अंदर हमें इसके अंदर कोई रिम नहीं देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें तारें देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक का हमें लोगो देखने को मिल जाता है। और ये साथ में जो बाइक खड़ी है, ये है 2022 जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक। आप इसके ग्राफिक देख सकते हैं, ब्लू के अंदर येलो का यूज़ किया गया है, और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स हमें 2023 मॉडल में हमें देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ इन दोनों में ग्राफिक्स का डिफरेंस है, और कुछ इसके ऊपर मीटर के अंदर हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि मैं जब आपको मीटर तक जाएंगे तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो इसका साइज़ भी, इसके टायर का साइज़ भी सेम टू सेम बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसा कि 2023 मॉडल का है। और यहाँ पर हमें कोई गियर नहीं देखने को मिलता, हमें इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई गियर हमें देखने को नहीं मिलता। सिर्फ आप इसके अंदर की लगाएं और साथ में ले जाएं, और यहाँ पर आपको मीटर के ऊपर इसके की का ऑप्शन हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर आपको की का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो आप इसके ऊपर देख रहे हैं वो है चार्जिंग का सेंसर, तो यहाँ पर इसके अंदर जितनी चार्जिंग होगी वो वहाँ पर ग्रीन ऑप्शन आपको शो कर देगा, या जिस भी कलर में होगा। तो यहाँ पर आप इसकी सेफ्टी के बारे में देख सकते हैं, और इसकी सीट की क्वालिटी भी देख सकते हैं। और ये कम्प्लीट रैप है, बिल्कुल ब्रैंड न्यू बाइक शोरूम पर खड़ी है, जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक टोबा रोड पर हमें ये बाइक का शोरूम हमें देखने को मिल जाएगा गोजरा के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की पार्क इलेक्ट्रिक कमाल की बाइक है, लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसकी आवाज़ भी बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट में बात करते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में कि इसकी प्राइस कितनी है। इसकी प्राइस हमें मार्केट में 1,36,000 हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन इसकी प्राइजेज भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, उसके बारे में मैं आपको कम्प्लीट अपडेट देता रहूँगा। आज की वीडियो में आप दोस्तों के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का बाइक का रिव्यू पसंद आया होगा 2022 मॉडल का एंड 2023 मॉडल का। तो जिन भाइयों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमाल कमाल के आपको इसके ऊपर रिव्यू देखने को मिल जाते हैं।